नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देश पर विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन, निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 2 नवंबर को भीकनगांव के आबकारी दल द्वारा पाल सीमा से लगे क्षेत्र में कार्रवाई कर 8,970 रुपए की मदिरा जब्त की है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी जयसिंह ठाकुर के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम पाडलिया, मांडवा भट्टी में अनेक स्थानों पर दबिश कार्रवाई की, जिसमें कुल 5 प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। वृत्त प्रभारी देवराज नगीना आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा बताया गया कि कार्रवाई में 55 क्वार्टर महाराष्ट्र निर्मित टेंगो पंच देशी मदिरा तथा 22 क्वार्टर विदेशी मदिरा, 18 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त की गई। मदिरा जब्त एवं मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 8,970 रुपए है। कार्रवाई में आबकारी मुख्य आरक्षक गणपत सागोरे, आरक्षक रमेश मोदी, ऋषिकेश मालवीय व राधेश्याम मंडोल का सराहनीय योगदान रहा। देखिए शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।